तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सब लोग कैसे? आशा करते सब लोग अच्छे हैं। आज हमने जो है ये एक फेवरेट जो मैगी है छोटा वाला, इससे इतना बढ़िया नाश्ता बनाया है, तो ये बच्चे बूढ़े सब लोग पसंद करेंगे। बच्चे का टिफिन में भी दे सकते हैं, अपना जो है लंच में भी लेके जा सकते हैं, सुबह ब्रेकफास्ट में भी आप खा सकते हैं। तो बहुत ही इजीली से हम बनाए हैं और इतना जल्दी झटपट बन जाती है। तो चलिए फिर कैसे बनाए हैं देखते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, और मेरे वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो एक लाइक शेयर कर दे। तो देखते हैं चलिए फिर कैसे बनाया है रेसिपी को। तो ये वाला मैगी जो है हम यूज कर रहे हैं, पानी गर्म हो चुके हैं और डाल देंगे। तो यहाँ पे हम एक ही पैकेट का यूज कर रहे हैं, इसी में जो है हो जाएगा। तो 5-6 मिनट तक जो है मैगी को थोड़ा हम उबाल लेंगे। थोड़ा चला देते हैं, हिल जाए। तो जैसे ये 80% होने लगेगा हम निकाल लेंगे। तो फ्रेंड जो है मैगी 80% हो चुके हैं, देख सकते हैं अभी अच्छे से ये पिघल नहीं रहा है, तो जो है हम निकाल लेंगे। तो निकाल लिए हैं इसको, थोड़ा सा हम ठंडा कर लेते हैं। तो थोड़ा सा हम इसको ठंडा करने के लिए जो है थोड़ा उलट पलट करेंगे ताकि ये जल्दी ठंडा हो जाए। अब थोड़ा ठंडा हो चुके हैं, अब यहाँ पे हम गाजर का कद्दूकस करके रखे हैं, दे देंगे। यहाँ पे थोड़ा शिमला मिर्च हम छोटे छोटे लंबे लंबे काट के रखे हैं, दे देंगे। थोड़ा सा प्याज दे देंगे लंबे लंबे, और थोड़ा सा हरी धनिया दे देंगे। साथ में हम दे देंगे जो मैगी के साथ मसाला आता है वो दे देंगे, और यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च और थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर दे देंगे। तो एक पैकेट के साथ जितना एक छोटा वाला जो पुड़िया आता है पैकेट पूरा दे दिए। ऐसे भी इसमें नमक होते हैं तो ऊपर से हम थोड़ा सा नमक और दे देंगे। तो स्वाद अनुसार नमक थोड़ा सा और हम दे दिए, और अच्छे से जो है हाथों से मिक्स कर देंगे। और थोड़ा सा जो है लंबे लंबे है ज़्यादा, तो थोड़ा सा हम ऐसे कट लगा देते हैं। यह तो पहले जब मैगी आप डाले हैं तभी उस समय तोड़ के भी डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा भी टूटा ना हो। तो इतना तो मसाला के साथ अच्छे से मिक्स कर दिए हैं। बहुत अच्छे से मिक्स कर दिए। अब जो है इसमें हम जो है अंडा ऐड करेंगे, लेकिन इसका जो ये पीला वो जो पार्ट है वो हम नहीं देंगे, खाली जो ये बॉइट पार्ट है मतलब इसका जेल जो है वो दे देंगे। इतना हम जो है अलग रख देते हैं और फिर से हाथों से थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, मैगी तो बहुत बार खाना बना के खाई होगी, जिस तरीका से मैं बना रही इस तरीका से बना के खाए बहुत अच्छा लगेगा। तो अच्छे से मिक्स कर दिए हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है एक हम पैन चढ़ा दिए हैं, आप तवा पे भी बना सकते हो या कढ़ाई पे भी बना सकते हो। थोड़ा सा ऑयल दे देंगे, और जो मैगी जो है सब्जी के साथ हम मिक्स करके रखे हैं तो आधा हिस्सा हम ले लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा जगह हम खाली कर देंगे, बढ़िया से सेट कर देना है। और जो अंडे का पीला हिस्सा है इसके अंदर हम दे देंगे, और कोशिश से हम ढक देंगे ताकि जो अंडा है अच्छे से मेरा पक जाए।
तो यहाँ पे जो है हम 2 मिनट के लिए ढक के रख दिए थे, अब जो है हम पलट देंगे, तो थोड़ा सा ऑयल जो है ऊपर से पहले से दे देते हैं। फिर से 2 मिनट जो हम ढक के रख देंगे अच्छे से पक जाए। तो 2 मिनट हो चुके हैं और फ्लेम जो है एकदम स्लो करके हम रखे हैं। तो ये रेडी हो चुके हैं अच्छे से, इसको निकाल ले। तो सेम प्रोसेस में जो है थोड़ा सा ऑयल दे देंगे। देते हैं ऑयल फ्रेंड्स, तो बाहर ही भाग जाता है, देखिए देना था 20 में भाग जा रहा है बाहर। जो बचे हुए हैं सब दे देंगे। इसमें थोड़ा सा जो है जगह बना लेंगे और चारों साइड से अच्छे से सेट कर देना है। फिर से 2 मिनट के लिए ढक देंगे। तो फ्रेंड्स सेम प्रोसेस में इसको भी जो है फ्राई कर लिए हैं और ये पहले वाला है, तो जो है बीच में से कट लगा देंगे। तो रेडी है फ्रेंड्स मेरी जो मैगी के साथ हम बनाए हैं, मैगी अंडा भी इसको कह सकते हैं, मतलब मैगी ऑमलेट भी कह सकते हैं। कितना सुंदर लग रहा है, और ये सब पसंद करेंगे, बच्चे भी पसंद करेंगे और बूढ़े तो पसंद करेंगे ही। बहुत नरम है, सॉफ्ट है। तो कैसी लगी मेरी रेसिपी, अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। सब लोग स्वस्थ रहे, बाय।